हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही आसान तरीका से LIC प्रीमियम पेड स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे चला जाएंगे तो नीचे हमको सर्च बार दिखेगा। सर्च बार में जाके हमको लिखना पड़ेगा LICI। तो हम क्या करेंगे, सर्च बार में जाके लिख देंगे LICI। LICI लिख के सर्च करने से पहला वाला जो लिंक इधर आ जाएगा LICIIndia.in, वही लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। वही लिंक पर क्लिक कर देंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला लिंक पर क्लिक कर देंगे। पहला वाला लिंक पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इधर लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। तो इधर हमको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। इधर हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो इधर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन टू कस्टमर पोर्टल। वही लॉगिन टू कस्टमर पोर्टल ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन टू कस्टमर पोर्टल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन का पेज इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर हमको कस्टमर पोर्टल का पेज दिख रहा है, तो इधर हमको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आ जाएंगे तो इधर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर्ड यूज़र। वही रजिस्टर्ड यूज़र ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड यूज़र ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड यूज़र ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन का पेज इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर लॉगिन का पेज आ गया। इधर सबसे पहले हमको यूज़र आईडी और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कोई भी एक डालना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। ये तीनों फिलअप करने के बाद साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा फिलअप कर देंगे। तो देखिए इधर हम पूरा फिलअप कर दिया। पूरा फिलअप करने के बाद साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो हम साइन इन कर देंगे तो देखिए लॉगिन हो गया। लॉगिन हो जाने के बाद ऐसा एक डैशबोर्ड हमको दिखेगा। इधर लेफ्ट साइड में सबसे पहले हमको पॉलिसीज दिखेगा। इधर देखिए बहुत सारे पॉलिसीज दिख रहा है, तो इधर ऑल पॉलिसीज जो ऑप्शन दिख रहा है वही ऑल पॉलिसीज ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ऑल पॉलिसीज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जितना सारा पॉलिसीज है सभी पॉलिसी हमको इधर दिखेगा। तो देखिए इधर हमको ऑल पॉलिसीज दिख रहा है, तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, इधर लेफ्ट साइड में हमको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। इधर बहुत सारे ऑप्शन के अंदर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट। तो देखिए इधर पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, वही पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उधर क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिधर हमको पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट दिखेगा। तो देखिए इधर सबसे पहले हमको ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ईयर का हम स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। तो इधर से हम सिलेक्ट कर देंगे अपना हिसाब से, हम 2021-22 का लेंगे, इसलिए 21-22 सिलेक्ट कर देंगे। करने के बाद इधर नीचे हमको पॉलिसी नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितना सारा पॉलिसी रहेगा सभी पॉलिसी हमको नीचे दिखेगा। एक एक करके हम अलग अलग से सिलेक्ट करके हम पॉलिसी का स्टेटमेंट ले सकते, या फिर पॉलिसी नंबर का लेफ्ट साइड में जो बॉक्स दिख रहा है उधर क्लिक कर देंगे तो सारे पॉलिसी सिलेक्ट हो जाएगा। सारे पॉलिसी सिलेक्ट करने के बाद करेंगे तो सारे पॉलिसी का स्टेटमेंट एक साथ निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, पॉलिसी नंबर का लेफ्ट साइड में बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इधर सारे पॉलिसी सिलेक्ट हो गया। अभी नीचे जेनरेट स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जेनरेट स्टेटमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो स्टेटमेंट PDF में डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए इधर हमको स्टेटमेंट दिख रहा है, प्रीमियम पेड स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2021-22 ये हमको दिख रहा है। तो इधर हमको प्रीमियम पेड जितना सारा प्रीमियम पेमेंट किया है सारे डिटेल्स हमको दिखेगा, और नीचे एक साथ हमको कितना प्रीमियम पेमेंट किया है वो भी हमको इधर दिखेगा, उसके साथ कितना GST पेमेंट किया है वो भी हमको दिखेगा। अभी ऊपर में मेरे को राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उधर जाके हम इसको सेव कर सकते या फिर प्रिंट का ऑप्शन पे जाके प्रिंट भी कर सकते। तो ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से हम LIC प्रीमियम पेड स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। जय हिंद।